तौफीकाते इलाही का सहारा लेते हुए और अपने माबूद की मर्जी पर राजी रहते हुए हमने एक मुकम्मल दौर को फिर खत्म किया और गुज़िश्ता रमजान से इस रमजान तक बिहम्दिल्लाह कौम अपनी बेदारी का सबूत देती रही और अब जबकि इबादतों क़ियामों इस्लामों तमहीज़ों तत्हीर का ये महीना आ पहुंचा तो यही तवक्को की जाती है कि मोहतरम जमा होने वाले या हमारी आवाज को सुनने वाले फिर एक मरतबा नियत करें कि हम तमाम माह मुबारक में इस दर्स को पाबंदी से सुनेंगे, महफूज रखेंगे, समझेंगे और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने ये ऐलान किया है अपनी गुज़िश्ता तकरीरों में कि इस साल हम सूरतुल फुरकान की तफ़सीर इस माह मुबारक में करेंगे। सूरतुल फुरकान कलाम मजीद का 25वां सूरा है। गुज़िश्ता साल
आप हजरात की मौजूदगी में सूरतुल अहजाब की तफसीर को अर्ज करने की जुरत की गई थी। मैं चाहता था कि आप, खुसूसन आपका नौजवान तबका, सूरों के नाम, उसके निशान और उसके आदात से बखूबी वाकिफ हो। अब जितनी किताबें इराक, ईरान, हिजाज और मिस्र से छप रही हैं, सब में अगर कोई आयत जेरे बहस आती है तो फुटनोट में यह लिख दिया जाता है 18वां सूरा तीसरी आयत, 12वां सूरा चौथी आयत, 15वां सूरा सातवीं आयत। मैं नहीं समझता कि अगर हमारे नौजवानों को सही तौर पर इन आदात का इल्म न हो तो वो किस तरह से इस गिनती को समझ सकेंगे। कुरान के मुसलसल पढ़ने वालों को ये जानना चाहिए कि कुरान की इल्हामी तकसीम 30 पारों की नहीं है। कुरान में इल्हामी तकसीम सूरों की है, यानी वही के एतबार से सूरों में कुरान को तकसीम किया है, वही के एतबार से 30 पारों में कुरान तकसीम नहीं हुआ। 30 पारों की तकसीम इंसानों की कोशिश है, सूरों का तायुन वो वही रब्बानी का खासा है। इसलिए नौजवानों को, बच्चों को ये याद रखने की जरूरत है कि सूरों के नाम और निशान क्या है। चूंकि मैंने अभी अर्ज किया कि मैं 25वें सूरे की तफसीर को अर्ज कर रहा हूं, इसलिए मेरे साथ गिनने की कोशिश कीजिए। याद न रखें मुझे फिक्र नहीं, मगर मुझे एक बात मालूम है कि बार बार आवाज अगर कान में पड़ती रहे तो कुछ न कुछ याद रह जाता है, और यही समझ के मैं मुसलसल कोशिश करता हूं। कुरान मजीद का पहला सूरा सूरह हम्द, दूसरा सूरा सूरह बकरा, तीसरा आले इमरान, चौथा निसा, पांचवा मायदा, छठा अनआम, सातवां आराफ, आठवां अनफाल, नवां तौबा, दसवां यूनुस, ग्यारहवां हूद, बारहवां यूसुफ, तेरहवां राद, चौदहवां इब्राहिम, पंद्रहवां हिजर, सोलहवां नहल, सत्तरवां बनी इसराइल, अठारहवां कहफ, उन्नीसवां मरियम, बीसवां ताहा, इक्कीसवां अंबिया, बाईसवां अल हज, तेईसवां मोमिनून, चौबीसवां नूर, पच्चीसवां फुरकान। आज आपके सामने ये गिनती रख दी गई, मैं फुरकान तक आपके सामने मैंने सूरों को गिन दिया। अगर रास्ते में किसी से मैं पूछूं कि 18वां सूरा कौन सा है तो मुझे यकीन है कि वो अब जवाब देने में गुरेज नहीं करेगा। मैंने अमदन 25वें सूरे तक पहुंचाया है, वरना उसूलन तो मुझे अहजाब तक जाना चाहिए,
ताकि ये मालूम हो कि अहजाब में और फुरकान में रब्त क्या है। सिर्फ इस ख्याल से कि कुछ थोड़ा सा आपके हाफिजे पर बार न बन जाऊं, मैंने कोशिश यही की कि फुरकान तक ये गिनती रहे। इसमें एक नुस्खा है याद रखने का, और नुस्खा ये है कि आप शुरू से याद रखने की कोशिश न कीजिए। ये तो यकीनी मालूम है ना, कुरान खोलते ही सूरह हम्द, सूरह बकरा, यानी दो सूरह तो यकीनन आपको याद है। किसी से भी पूछेंगे भाई दूसरा सूरह कौन सा है, तो वो कह देगा सूरह बकरा है, उसमें तो गलती नहीं करेगा। बिल्कुल इस एतबार से अंबिया के नाम से भी याद रखने की कोशिश कीजिए। हजरत हूद एक नबी है, हजरत यूसुफ एक नबी है, हजरत इब्राहिम एक नबी है, तो इस एतबार से अपने गिनती को सामने रखकर चंद चीजों को याद रखना चाहिए। जैसे आप हैं पंजतनी, अब आपने कहा पांचवां सूरा कौन सा होगा, मायदा, चलिए याद हो गया पांचवां सूरा मायदा, और उसके बाद आप हैं चौदह के मानने वाले। किसी ने पूछा चौदहवां सूरा कौन सा, फौरन याद आया इब्राहिम। तो इस तरह से अगर आपने याद रखने की कोशिश की तो कुछ दिनों के बाद फिर आपको ये ख्याल होगा भाई चौदहवां तो इब्राहिम है, तेरहवां क्या होगा, पंद्रहवां क्या होगा। तो इस तरह से जब आपको ये मालूम होगा कि भाई पांच मायदा, क्योंकि जाहिर पंजतन का लफ्ज है, बारहवां यूसुफ, चौदहवां इब्राहिम, तो एक दो पांच बारह चौदह पच्चीस तो अब आपको याद हो गए ना। मैं समझता हूं इसके बाद यकीनन रहमत नहीं होगी, इसलिए कि पच्चीसवें सूरे से तो आगाज ही कर रहा हूं, पच्चीसवें सूरे से तो आगाज ही कर रहा हूं। यकीनन आपसे अगर कोई पूछे कि भाई कौन से सूरे की तफसीर हो रही है, फौरन आप कह देंगे जी पच्चीसवां सूरा है। अब अगर आपसे कोई पूछे जनाब पारा कौन सा है, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, यानी आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं, इस वास्ते कि आप ये जवाब देंगे अगर वही के साथ पारा आता तो मैं जवाब देता, वही के साथ सूरा आया इसलिए सूर्य का जवाब दे रहा हूं। तो कुरान मजीद का 25वां सूरा है सूरतुल फुरकान। याद रखने के लिए उमूमन हमारे रियाजीदानों ने बहुत से उसूल मुरत्तब किए हैं। जैसे एक मामूली सी चीज आपको अर्ज कर दूं कि उन्होंने ये कहा कि कोई एक सन अगर किसी को याद हो जाए, कोई एक सन किसी को याद हो जाए, तो फिर उसके बाद ज्यादा सहूलत होती है उसी तारीख के धारे पर आगे बढ़ने में। जैसे शेख सदूक की वफात है 381 मोहम्मद इब्ने अली इब्ने बाबर है कुल्ली 381 329 का एक सन तो आपको याद है ना, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी का 329 का सन, ये 381 शेख सदूक। तो अब बाज रियाजीदानों ने कहा अब पूछते जाइए 481 में क्या हुआ, 581 में क्या हुआ, 681 में क्या हुआ, 781 में क्या हुआ, तारीख में 881 में क्या हुआ, 981 में क्या हुआ, तो ये भी याद रखने की एक सूरत है। और उमूमन सन और साल को याद रखने में किसी एक सन को याद रख के एक एक सदी को बदलते जाते हैं, एक एक सदी को बदलते जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह 333 किसी एक तारीख के सिलसिले में समझिए यह सन मशहूर है, 444 में क्या हुआ, 555 में क्या हुआ, 666 में क्या हुआ, 777 में क्या हुआ, 888 में क्या हुआ, यानी याद रखने के लिए इस तरह से भी हाफिजे पर जोर दिया जा सकता है। तो अब
अगर कभी आपको मौका मिले तो इस एतबार से भी कुरान पे गौर किया जा सकता है। 5, 15, 25, 45, 55, 65, 65, 75, 85, 95, 105 पांच के साथ साथ जितने सूरे आपके जहन में आएंगे ना, वो सब के सब यकीनन आपको याद हो जाएंगे। मगर आपको ये भी मालूम है ना कि ये कुरान मजीद में कुल कितने सूरे हैं? कुरान मजीद में कुल सूरे 114। इसका तो सबको इल्म है, 114। पहला सूरा सूरह हम्द 114। आखिरी सूरा कौन सा है? कुल औजो बेरबिन्ना 114। अली के आदत 110। तो 110वां सूरा कौन सा है? इजा जा नसोल्लाही वल फतह। ये मैं चाहता था कि हाफिजे को किस तरह से इल्मी एतबार से टैकल किया जाता है, मैंने अपने नौजवान दोस्तों को ये समझाया है। यकीनन बुजुर्ग हजरात को तो सब ये आदाब याद हैं, उनसे क्या कहना है, उनसे कुछ गुफ्तगू हो ही नहीं सकती है, वो सब के सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहर सूरत 25वें सूरे की मैं तफसीर करना चाहता हूं, तो तफसीर इस एतबार से नहीं कि वो मेरी तफसीर है, बल्कि मैं बयान करना चाहता हूं कि मासूमीन का क्या इरशाद है। मगर कबल इसके कि मैं तफसीर कुरान का कोई दर्स आज शुरू करूं, मेरी एक और बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है, और वो ये है कि मैं खुद तफसीर की तारीख बयान करूं, तफसीर की तारीख बयान करूं कि इस तफसीर को आपसे, आपकी जमात से, आपके बुजुर्गों से, आपके अइम्मा से क्या रब्त रहा है। इसको कहेंगे तारीख तफसीर, तारीख तफसीर। तो तारीख तफसीर का आगाज क्या है, यानी तफसीर कब शुरू हुई, तफसीर कब शुरू हुई, तो उसमें आपको हैरानी की कोई जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन पहली आयत आई होगी उसी दिन से तफसीर शुरू हुई होगी, जिस दिन पहली वही आई होगी उसी दिन तफसीर शुरू हुई होगी। तो पहली वही का सुनने वाला पहला मुफस्सिर होगा। इस एतबार से इल्मे तफसीर में अगर कोई शख्स कहे कि किसी और को अव्वलियत हासिल है तो मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं। जैसे जैसे कुरान नाजिल होता चला तफसीर शुरू हुई और उसके मानी बयान हुए, हल मुश्किलात को पेश किया गया, उसकी तावील पर नजर रही, उसके तंजील को बतलाया। जैसे जैसे कुरान आया मुफस्सिर भी तफसीर की तरफ आगे बढ़ता चला। इसलिए इल्म तफसीर की हद तक तमाम दुनिया इस्लाम ने इस अम्र पर इत्तेफाक किया है कि मंजिल वही रब्बानी वो कल्ब पैगंबर है, मंजिल वही रब्बानी कल्ब पैगंबर है जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ। लेकिन तफसीर के लिए सबसे पहला मुफस्सिर वो असदुल्लाह गालिब अली इब्न अबी तालिब। इन्हीं से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तफसीर ली, इन्हीं से अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सीखा, इन्हीं से मैसम तम्मार ने तफसीर को सीखा,
इन्हीं से सुलैम इब्ने कैस ने आयात की शरह को सुना और इन्हीं के घराने में ये तफसीर का काम आगे बढ़ता चला। तो इस एतबार से कहा जाता है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान मजीद के वो मुफस्सिर हैं कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन से तफसीर को सुनकर तफसीर को बयान किया, मगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कोई तफसीर मक्तूब नहीं है, यानी लिखी हुई नहीं है कि कोई कहे ये इब्ने अब्बास की तफसीर है। लोगों ने इब्ने अब्बास से लिया है और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तफसीर को बयान किया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का सने वफात है 67 हिजरी, यानी वाकए करबला के 6 बरस के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का इंतकाल हुआ है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उन बुजुर्गों में से हैं जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को जाते हुए मक्के में रोका था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुहीतुल इल्म बैन सहाबा समझे जाते हैं कि असहाब में सबसे ज्यादा इल्म इन्हीं के पास था। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 65 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई तफसीर की किताब नहीं लिखी। मगर ताज्जुब यह है कि इनसे पहले 67 हिजरी में हुसैन इब्ने अली जब मक्के से करबला जा रहे थे तो रास्ते ही में आपको किसी के कत्ल होने की खबर मिली और वो है मैसम तम्मार। और मैसम तम्मार पहला मुफस्सिर है कुरान का जिसने अमीरुल मोमिनीन से कुरान की आयतों की तफसीर को सुनकर जमा करना शुरू किया। ये वो मैसम है जो सूली पर लटके हुए पुकार रहे थे, अगर किसी को कुरान समझना हो तो मुझसे सुनो, मैंने अली से ये सुना है। तुम तफसीर मैसम 67 हिजरी, इब्ने अब्बास 67 हिजरी, और उसके बाद तफसीर अबू हमजे शिमाली इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर, तफसीर हसन इब्ने महबूब इमाम रिजा का दौर, तफसीर यूनुस इब्ने अब्दुल रहमान इमाम तकी जवाद का दौर, खुद तफसीर जाफर इब्ने मोहम्मद सलावतुल्लाह, इस तफसीर के मुताल्लिक हमारे उलमा हैरान हैं। इसका हवाला जरूर किताबों में आया है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस्लाम बोल में एक किताब आना है जिसको मकतबे अली पातशाह कहते हैं। इस मकतबे में इमाम जाफर सादिक की ये तफसीर कलमी मौजूद है और उस मकतबे के कारकुनों ने ये ऐलान किया है कि जिस किसी को फोटोग्राफिक कॉपी इसकी चाहिए वो हमसे मदद ले सकता है। अली पाशा मकतबा इस्लामबोल। इसी तरह से तफसीर आबान इब्ने तगलब ये सादिकैन का रावी है। इसी तरह से तफसीर हशाम इब्ने सालिम जवालूकी ये इमाम सादिक का मुसाहिब है। इसी तरह से तफसीर इमाम अली नकी और इसका लिखने वाला हसन इब्ने खालिद है, जिस पर धोखा हुआ कि ये इमाम हसन अस्करी की शायद तफसीर हो,
मगर नहीं, हुदैदा ने ऐलान किया, यानी यमन के किताब खाने ने ऐलान किया कि हमारे पास इमाम अली नकी हजरत अबुल हसन सालिस की तफसीर की 120 जिल्दें महफूज हैं। हसन इब्न खालिद इसका कातिब है, लिखने वाला है। ये इमाम अली नकी का दौर आया और उसके बाद वो जो तफसीर बाजार में मिलती है वो तफसीर इमाम हसन अस्करी से मंसूब है, लेकिन अभी तक हमारे उलमा ने उस पर अपने मोहरे वसूख को सख्त नहीं किया है। और उसके बाद जब दौर इमामत खत्म हुआ तो पता चला कि अइम्मा के जमाने में 28 तफसीरें हमारी लिखी जा चुकी थी, और दौर अइम्मा के बाद सबसे पहली तफसीर अली इब्ने हुसैन इब्ने मूसा इब्ने बाबह उम्मी की है, सदूक़े अव्वल। दूसरी तफसीर सदूक सानी शेख सदूक मोहम्मद इब्ने अली इब्ने बाप वैस की है। इन दोनों ने तफसीर को लिया अली इब्ने इब्राहिम कुम्मी से, जिनका सने वफात को नहीं सने रिवायत 307 हिजरी है। और उसके बाद शेख उत्ताइफा मोहम्मद इब्ने हसन तूसी की तफसीर है, जिसका नाम है तफसीर तिबियान। शेख उत्ताइफा मोहम्मद इब्ने हसन तूसी के असातिज़ा में दो बुजुर्ग हैं, सैयद रजी और सैयद मुर्तजा। सैयद रजी नहजुल बलागा के जामे हैं और सैयद मुर्तजा उसूल फिकह के मुअस्सिस हैं। दोनों की तफसीरें हैं, दोनों की तफसीरें आज बिहम्दिल्लाह शाया हो चुकी। सैयद रजी की तफसीर का नाम है तलकीसुल कुरान, ये नायाब थी, गुज़िश्ता साल इसको ईरान ने शाया किया। सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा की तफसीर तफसीर आयातुल अहकाम है और ये भी मदबूआ है। इसके बाद साहिब मजमाउल बयान तबरसी की तफसीर है, जो जमउल जवामे है, यानी बड़ी ज़खीम तफसीर है। इसके बाद तकरीबन हर आलिम ने तफसीर लिखने की कोशिश की अपने दौर में जिसको वक्त मिला, इसलिए इल्म तफसीर में कोई कमी कोताही कमजोरी हमारे पास नहीं है कि हम दूसरों के हवाले से गुफ्तगू करें। हमारे पास इतना सरमाया तफसीर में मौजूद है कि जिसमें हैरानी की जरूरत नहीं। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आयत की तफसीर की तो ये कह के तफसीर की कि मेरे बाप ने कहा, उनसे उनके पदरे गिरामी ने कहा और उनसे जनाबे रिसालत माब ने कहा। इस एतबार से तफसीर में हम में एहसास कमतरी नहीं पैदा हो सकता। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई सवाल तफसीर में हमारे पास नहीं है। आज जब मैं 25वें सूरे की तफसीर पर आमादा हूं तो इतना अर्थ कर दूं कि मेरे सामने तफसीर तिबियान तूसी की, तलकीसुल कुरान सैयद रजी और मुतशाबिहातुल कुरान मोहम्मद इब्ने अली इब्ने शहराशोप, मजमाउल बयान तबरसी, तफसीर साफी और तफसीर बुरहान, और इस तरह से ये तमाम तफसीरें इस वक्त मेरे मुताले में हैं। इन तमाम तफसीरों का नाम लेने से सुनने वालों को मरऊब करना मकसूद नहीं है,
बल्कि ये बतलाना मकसूद है कि इन तफसीरों में अगर कोई बात न मिले तो फिर मैं दूसरी किसी तफसीर का तस्करा करूं कि इमाम फखरुद्दीन राजी की ये तफसीर है, जारल्लाह जमशरी साहेब तफसीर कश्याप ने ये लिखा है, जलालैन में ये है, बैजावी में ये है, इसलिए कि दोनों तरफ तफसीरों में बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन हमारी हद तक नाज ये है कि अगर एक आयत के मुताल्लिक किसी मासूम ने कुछ कह दिया तो उस पर इजमाए आले मोहम्मद हो गया। फिर ये नहीं होता कि कोई और मुखालिफ उसमें राय रखता हो। इस वास्ते हम मुतमइन होकर इस तफसीर को ये बतलाते हुए कि आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत है और आयत सूरे में शामिल है, सूरे से खारिज नहीं है। और अगर किसी ने आयत को हटाकर तन्हा सूरे को पढ़ने की कोशिश की तो गोया उसने दीदो दानिस्ता एक आयत की कमी थी, और जिसने कमी की वो है तहरीफ का कायल, हम नहीं। इस मंजिल पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम से अल्लाह के शुरू किया जाता है। इमाम फरमाते हैं उसके माना ये हैं कि हमारी जबीने बंदगी पर, जबीने बंदगी पर एक दाग है, एक निशान है उसके सजदे का, कि जिस निशान से इंसानियत अपने मरातिब को पाएगी कि किसने किस तरह से अपनी जबीने बंदगी को उसकी बारगाह में रखने की कोशिश की। नाम से अल्लाह के, नाम से अल्लाह के उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर सांस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरशाद हुआ, जो आप सबको मालूम है कि हर काम को बगैर इस आयत के शुरू न करो। लेकिन आज की हद तक इतना अर्ज कर दूं कि इस आयत को मुसलसल पढ़ते रहने में फकत यही नहीं है कि आप ये समझें कि शुरू करने के लिए इस आयत को पढ़ा जाता है। मेरे जुमले को आप समझ रहे हैं, यानी जैसे कोई सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे पुकार के, तो आप ये न समझें किसी के घर में कोई बीमार है या जाने की तैयारी हो रही है, सूरह यासीन की आवाज आ रही है। बिल्कुल उसी तरह किसी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आपने ये समझा कि शायद घर से बाहर निकल रहा है, शायद किसी को कुछ बतला रहा है, शायद कोई नया काम कर रहा है। नहीं, इरशाद हुआ कि फकत आगाज ही के लिए नहीं है बल्कि ये इस्तेमदाद है, हर आन मदद मांगने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता जाए, इसलिए कि इसमें तलब मदद भी है, फकत आगाज ही के लिए नहीं बल्कि परवरदिगार मैं तेरी मदद चाहता हूं। जहन में आपने रख लिया इसको, आइए تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। مبارك है वो, बाबरकत है वो, इजाफा करता है वो, ज़ियादती करता है वो, जिसने फुरकान को अपने अब्द पर नाजिल किया
ताकि आलमीन के लिए वो डराने वाला बन जाए। पहली आयत का कुछ हिस्सा है, आयत यहां खत्म नहीं हुई, आयत आगे बढ़ेगी। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض। یہ آیت کا سلسلہ جائے گا، مگر قاعدہ یہ ہوتا ہے تفسیر میں کہ جس مقام پر روک سکتے ہیں وہاں روک کے چند الفاظ کو بتلا دیں۔ صاحب برکت ہے، مبارک ہے، اضافہ کرتا ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے وہ نذیر بن جائے۔ یہاں پر ایک علمی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور یہ علمی بحث اتفاق سے کچھ اسی محلے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج سے 3 برس پہلے میں ایرانیان سے کے عقب میں ایک مختصر سا امام باڑہ ہے، جہاں میرے دوست حسن علی بھائی بیڑی والا کی خواہش پر میں مجلسیں پڑھ رہا تھا۔ مختصر سا امام باڑہ ہے، پولیس کے بچوں کا امام باڑہ۔ وہاں پر اس آیت پر گفتگو تھی، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی عالمین کے لیے نذیر ہے۔ تو ایک خط لکھا گیا مجھے، اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ آپ نے آیت کی تعویل غلط کی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مبارک ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا تاکہ وہ فرقان عالمین کے لیے نذیر بنے، عبد نہیں۔ یہ اعتراض ان کا تھا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی اشارہ کیا ہے اس طرف کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرقان مقصود ہے، کہ عالمین کے لیے فرقان نذیر ہے۔ میں فرقان کے معنی پہ تو بعد میں گفتگو کروں گا، آج نہیں کل گفتگو کروں گا، مگر آج تو میں صرف اس مسئلے کو صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بہت زیادہ روشن رہے۔ دیکھیے، فرقان جو کچھ بھی صحیح، وہ جو کچھ بھی صحیح، ایک چیز ہے فرقان جس کو نازل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عالمین کے لیے نذیر ہے فرقان، اور نازل کیا کس پر؟ عالمین پر نہیں، نزل الفرقان علی عبدہ۔ وہ پیغام جو عالمین کے لیے ہے، عالمین پر نازل نہیں ہوا، عبد پر نازل ہوا۔ اب ایک عجیب بات یہ ہوگی کہ پیغام تو ہو عالمین کے لیے، اور پیغامبر ہو چند عرب والوں کے لیے۔ آپ بولے تو فرمانے کیوں نازل کیا عبد پر؟ اس لیے کہ عبد واسطہ بنے۔ کس میں؟ رب العالمین میں اور عالمین میں۔ رب العالمین میں اور عالمین میں فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر۔ یہی صحیح آپ کی مراد کہ فرقان عالمین کے لیے نذیر ہے۔ تو بدرجہ اولا اب یہ ثابت ہوا کہ جس عبد پہ نازل کیا، اس عبد کو ایک عمومی پیغام دے کر بھیجا، تو اس کو تو مخصوص نہیں کر سکتا تھا چند افراد کے لیے، جبکہ پیغام تو دیا عالمین کے لیے۔
और उसको भेजा चंद अफराद के लिए, तो मैंने खत को अपने हाथ में रखकर दूसरे दिन उनके एक बुजुर्ग से ये मारूजा किया कि अगर कलाम मजीद की कोई और आयत पैगंबर की आलमीनियत को साबित कर दे तो उस वक्त क्या गुजरेगी आपके दिल पर। पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, समझ गए। उन्होंने कहा भाई हम भी मजबूर थे, बच्चों ने यह ख्वाहिश की कोई एतराज हो तो हमने एतराज किया। मैंने कहा आज से फिर आप इस आयत की तिलावत न करें, वमार फलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नहीं भेजा कुछ को मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। और फलना का कुरान नहीं है, नहीं भेजा कुछ को मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। जो आलमीन के लिए रहमत बनता है उसी के लिए आलमीन की नजारत भी होती है कि बशीर भी वही हो, डराने वाला भी वही हो। आप बोला तो फरमाना, तो इस एतबार से तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुर्क़ान अला अब्दिही, मुबारक है वो जिसने अपने अब्द पर कुरान फ़ुर्क़ान को नाजिल किया ताकि आलमीन के लिए नज़ीर बने। घबराएं नहीं, आयत बड़ी अहम है, बहुत बहुत आपके तवज्जुहात को चाहती है। फ़ुर्क़ान क्या चीज है? कलाम मजीद में लफ्ज फुरकान 7 मरतबा आया है। देखिए ये बड़ी मेहनतों के नतायज हैं जो इस तरह से जुमलों की सूरत में मैं आपके पास रख रहा हूं। कलाम मजीद में लफ्ज फुरकान कुल 7 मरतबा आया है, उनमें से 2 मरतबा ये हैं कि वो आतैना मूसल किताब वल फुरकान, हमने मूसा को किताब भी दी और फुरकान भी। वो आतैना मूसा वो हारून अल फुरकान, हमने मूसा को और हारून को फुरकान अता किया। तो अब मुफस्सरीन को चाहिए कि जरा बहुत गौर से आगे बढ़ें, क्या ये कुरान मूसा को मिल चुका था? अगर फुरकान ही कुरान है तो क्या मूसा और हारून को यह मिल चुका था? कुरान मजीद आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, कुरान मजीद में 21वें सूरे में है एक मरतबा फुरकान, 21वां सूरा। फिर मैंने वही कहा 21वां सूरा सूरतुल अंबिया, फिर सारे नबी जहां है वो 21 याद रख लीजिए, यानी 12 यूसुफ, 14 इब्राहिम, 11 हूद और सारे अंबिया जहां आ जाए वो 21। जब कहा जाए मेरी तकरीर में और जब आप सुने 21वां सूरा तो फौरन आप समझ जाएं सूरतुल अंबिया। सूरतुल अंबिया में एक मरतबा फुरकान का तस्करा है जहां ये मूसा और हारून की गुफ्तगू है। 8वें सूरे में 2 मरतबा, यानी सूरतुल अनफाल। सूरह बकरा में यानी दूसरे सूरे में 2 मरतबा। और इसी तरह आप सूरह लफ्ज़ फुरकान को माह मुबारक रमजान के तस्करे में भी पाएंगे और उस आयत को आप मेरी जबान से कल सुनेंगे कि माह मुबारक रमजान की जहां तारीफ की वहां कहा गया कि हमने कुरान को नाजिल किया और ये कुरान क्या है? हिदायत है। वो बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान, और इसी में खुली खुली दलीलें हैं हिदायत की और फुरकान की। तो अब बहस छिड़ जाती है कि आखिर फुरकान के माना क्या है। फुरकान के माना ये है फर्क पैदा करने वाला। फुरकान का तर्जमा अंग्रेजी में किया डिस्टिंक्शन,
فرقان کا ترجمہ دوسری مقام پر کیا گیا ممیز تمیز دینے والا, فرقان کا ترجمہ کیا گیا حق و باطل میں فرق کرنے والا, فرقان کے معنی کیے گئے طیب و خبیث کو پہچانوانے والا, فرقان کے معنی کیے گئے پاک اور نجس کو پہچانوانے والا, پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے نذیر ہو کہ جب تک یہ فرقان معیار بنا رہے وہ پہچانتا چلا جائے کہ نجس کون ہے, پاک کون ہے, طیب کون ہے, خبیث کون ہے, اچھا کون ہے اور برا کون ہے. یہی وہ فرقان ہے جو ہر نبی کو کتاب کے ساتھ عطا ہوا ہے تاکہ ہر نبی اپنے دور میں پہچانے. میرے جملے کو سمجھ لیجئے, ہر نبی اپنے دور میں پہچانے, مگر جو نبی عالمین کے لیے آئے وہ عالمین کے انجام تک فرق کرتا جائے, نیک و بد کی تمیز کرتا جائے, بتلاتا جائے کہ یہ فارق ہے, اس میں تفریق ہے, اس میں افتراق کرنے کی کیفیت ہے کہ جو بتلا دے پہچنوا دے. بہر صورت فرقان پہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک لفظ اور رہ جاتا ہے, میں صرف لغت سے بحث کر رہا تھا آج, ابھی تفسیر شروع نہیں ہوئی. معصوم پر, معصوم نے جو گفتگو کی ہے وہ تو کل عرض کروں گا. وہ ایک گفتگو یہ ہے, اللہ عبد ہی اپنے بندے پہ نازل کیا, چھوٹا سا لفظ, بہت چھوٹا سا لفظ ہے, اللہ عبد ہی, اللہ ابن ہی نہیں, اپنے بیٹے پہ نازل کیا نہیں ہے, اپنے کا فرمان. یہ ہے مقام بندگی, مقام خاتم کے لیے. یعنی ساری نصرانیت کا جواب ہے اللہ عبد ہی, پوری کرسچینٹی کا جواب ہے, پوری مسیحی قوم کے لیے جواب ہے کہ عبد پہ فرقان کو نازل کیا ہے. یہ عبد ہے. کون ہے قرآن کا بیان کرنے والا؟ اکیلا نبی جس کا کوئی شریک نہیں, کوئی گواہ نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس وقت جبرائیل کہہ رہے تھے میں بھی سن رہا تھا. راوی ایک ہے, قرآن کا راوی ایک ہے, یعنی اکیلا پیغمبر. مجھ سے کہا وہی آئی, دنیا نے مانا. دنیا یہ اور بات ہے, دنیا کہے کہ ہم ہماری مرضی یہ تھی, قرآن بھی یہی آیا, ہم نے مشورہ یہ کیا تھا, آیت بھی یہ اتری. یہ اور بات ہے, ہم ہمارا دل یہی چاہتا تھا, اتفاق سے صبح کو جو وہی آئی تو وہی آئی, تو یہ اور باتیں ہیں. لیکن جو بھی وحی آئی وہ صرف پیغمبر کو معلوم ہے. پیغمبر نے کہا یہ وحی آئی, اکیلا راضی. کس منزل کمال پر ہے وہ کہ پوری نصرانیت کو سامنے رکھتا, جبکہ پورے عرب میں ان کا اقتدار ہے, رومن امپائر اپنے کمال پر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں اس طرح سے, نزل الفرقان علی عبد, عبد پہ نازل کیا, اور میرا کمال ہے عبودیت میں. سارے زمین و آسمان میں کل من فی السماوات والارض, جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں وہ زمینوں میں, اللہ آتی الرحمن عبدا, رحمان کی عبدیت میں آنا ہے ہر شے کو. یہ آخری جملے, ایک ایک ذرہ اس کی عبدیت میں, درخت, حجر, مطر, زمین, آسمان, جی حیات, جی روح, جی عقل, جی شعور, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ عبد ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, ہر شے عبد ہے.
और इन सारे इबाद में से एक अब्द को चुना, साहेब फुरकान अब्द को चुना और कहा कि तुझको मुमताज करता हूं कौनो मकान में, किसी और को नहीं चुना। साहेब फुरकान बनाया अब्द को, तो नसरानियत के लिए जवाब था इस एक लफ्ज में, और नसरानियत के लिए कयामत तक जवाब रहेगा आपके तशहुद में, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसका अब्द है और रसूल है। यह मकाम अब्दियत है जहां इंसान दर्जे कमाल पर पहुंचता है। इसको आप याद रखेंगे, तबारका नज़ला फुरकान अब्द, चार लफ्ज। मगर आपको ताज्जुब होगा, अब जो आयतों का सिलसिला जाएगा तो इसी को कहते हैं कुरान का एजाज, कि लफ्ज से लफ्ज को मुसलसल करके बतलाया कि अब्द क्यों कहा, अपने आप को खुदा ने मुबारक क्यों कहा, फुरकान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। और फिर ये नुज़ूल जिसको कहते हैं कि नाज़िल किया अपने अब्द पर, इसके माना क्या थे, ये है वो मौजज़ा कि जिसको जानना, जिसको समझना, जिसको पढ़ना, जिस पर गौर करना आपके लिए जरूरी है। मैं आपको और कोई जहमत नहीं लूंगा। आज शबे अव्वल माह है, चांद आपने देखा, अल्लाह आपको बंदगी मुबारक करे। और चूंकि खुद उसने अपने आसमां में से एक नाम मुबारक का ऐलान किया है कि वो भी बाबरकत है, तो बाबरकत के माना इजाफा ही इजाफा, ज्यादती ही ज्यादती। खुद आप कहते हैं ना कि भाई तनख्वाह तो आती है इतनी, मगर बरकत बहुत है। क्या माने आप लेते हैं, यानी ज्यादती होती है, बरकत के माने ज्यादती का होना, इजाफे का होना। तो खुदा आपको बरकत दे इस महीने में, बरकत दे आपके अमवाल में, बरकत दे आपके ईमान में, बरकत दे आपके इल्म में, ताकि आपका इल्म भी आगे बढ़ता जाए। और क्यों आप दुआ न करें इजाफे इल्म की, जबकि मकाम खातम जो अब्द मुतलक है जिससे फुरकान नाजिल हुआ है वो रोज कह रहा है रब्बी जिदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में और ज्यादती कर, परवरदिगार मेरे इल्म में और इजाफा कर। हमको तो हासिल करना है, हम हासिल करने के लिए आज जमा हुए हैं। वाकर दावाना अनिलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन, खुदावंदा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको तौफीक बंदगी अता फरमा। परवरदिगार ये महीना जिसमें नीयत तकर्रुब के साथ इंसान आमाल सालिह को बजा लाता है, परवरदिगार इस महीने को हमारे लिए बाखैर व बाबरकत बना, मिल्लत को मुत्तहिक कर, ममलिकत को मुस्तहकम फरमा। खुदा हाफिज़।